Assalamu alaikum students, welcome back to our online classes. And in this video we will see our chapter number 5 जो हमारा चल रहा था अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में परिचय. ओके, उसका पार्ट 4 है ये. और अभी तक जो तीन पार्ट हमने देखे उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो कैसे काम करेगी, कौन सी प्रोसेसेस होगी उसके अंदर, और जो मेन काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा हमारे कंप्यूटर के अंदर, टोटल 7 काम थे जो जो हमने पिछले दो वीडियो में जिसको देखे थे. तो यहाँ तक हमारा हो गया था अभी. ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे. तो आगे बढ़ने से पहले, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना है आपको. और एक क्वेश्चन दूंगा वीडियो के एंड में जिसका आंसर आपको नीचे कॉमेंट करके देना होगा. तो ये वीडियो आपको आखिर तक देखना है पूरा कम्प्लीट ध्यान से. ओके, तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो. तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम ने लाक्षणिक घटकों, मतलब टिपिकल कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ और चीज़ें भी आएगी, जैसा कि घटकों मतलब क्या कि उसमें कुछ और हिस्से भी है ऑपरेटिंग सिस्टम के. तो वो कौन से हैं? तो सबसे पहला है विविध प्रकार ना डिवाइस ड्राइवर. अब डिवाइस ड्राइवर क्या होगा? तो डिवाइस ड्राइवर मतलब अगर हमने हमारा प्रिंटर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया है, ओके, तो हम प्रिंटर को सीधा यूज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल के अगर हमारी एक क्लास है, ठीक है, अब क्लास को लॉक है अगर, तो हम क्लास को यूज़ कर पाएंगे? नहीं. क्लास वैसे हमारी है बट हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे. क्लास का क्या, जो भी दरवाजा है वो लॉक है. अब उसको अनलॉक करने के लिए हमको एक चाबी की ज़रूरत पड़ेगी. तो वैसे ही होता है कि हमने एक कंप्यूटर के साथ एक डिवाइस, कोई एक प्रिंटर जो कहेंगे हम लोग, उसको हमने कनेक्ट किया है अगर, तो वो प्रिंटर को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे. उसको पहले हमको एक इसे एक अनलॉक करना पड़ेगा, सीधी भाषा में कहता हूँ. अब अनलॉक करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग डिवाइस के ड्राइवर होते हैं. तो वो ड्राइवर हमको हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करने पड़ेंगे. तो ये ड्राइवर के अंदर क्या होगा, ड्राइवर के अंदर कुछ छोटा सा ड्राइवर होगा, मतलब 2 MB या 3 MB या 5 MB का एक प्रोग्राम होगा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि हमको ये डिवाइस जो है उसको यूज करना है. ओके, तो आगे बढ़ेंगे इसमें. तो हार्डवेयर प्रचंड शक्ति धरावतु मशीन से, मतलब कि हार्डवेयर क्या है, एक बहुत पावरफुल एक मशीन है, पर शू करूँ तेनु मार्गदर्शन तेनी पास नहीं. मतलब उसको काम क्या करना है उसका, उसकी कोई भी उसके पास मार्गदर्शन नहीं है, मतलब उसके पास कोई भी गाइडलाइन नहीं है. उसको उसको मालूम नहीं है कि मुझे क्या करना है. विविध जातना एकम एट के डिवाइसीस हो कि जेने वापरवा अलग सूचनाओं सेट एट्ले के प्रोग्राम की जरूरत पड़े है. क्या लिखा है, बहुत सारे डिवाइस ऐसे होंगे जिसको हमको यूज करने के लिए उसका एक प्रोग्राम होगा जो नेट से डाउनलोड करके हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे पीसी में, या तो फिर हम लोग जो जहाँ से हम लोग परचेस करेंगे वो परचेस के साथ साथ, मतलब उस डिवाइस के साथ साथ हमको एक सीडी दी जाएगी जिसमें वो ड्राइवर पहले से होगा. ठीक है, तो हमको क्या करना है, वो सीडी हमारे कंप्यूटर में डालनी है उसको, और उसका जो भी उसमें प्रोग्राम है उसको हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा. डिवाइस ड्राइवर ए नाना प्रोग्राम छे कि जे आ डिवाइस ने वापरवा माटे अनिवार्य होय छे. क्या लिखा है, डिवाइस ने वापरवा, मतलब हमने प्रिंटर कनेक्ट किया तो उसको यूज करने के लिए हमको एक प्रोग्राम इंस्टॉल करना पड़ेगा जो क्या करेगा, उस डिवाइस को यूज करने की गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा. घना खरा डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम साथ है एटले के बंडल्ड आवे छे. अब बहुत सारे डिवाइस तो क्या होते हैं, बहुत सारे डिवाइस के जो ड्राइवर होते हैं वो पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल आए हुए होते ही है, बट अगर आपने कुछ ऐसी चीज परचेस की जो कुछ अलग चीज है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ड्राइवर जो है वो नेट से इंस्टॉल करना पड़ेगा. वो फ्री होता है, उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना नहीं है किसी को भी. ओके, आगे बढ़ेंगे डिवाइस ड्राइवर के अंदर. तो ज्यादा केटलाक ने अलग थी इंटरनेट के डिस्क ऊपर थी प्रचलित एट के इंस्टॉल करवा पड़े थे. कुछ तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल है पहले से बंडल के अंदर, बट कुछ को क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरनेट से या सीडी की जो आती है डिस्क, मैंने कहा ना कि सीडी भी आ सकती है इसमें, तो उससे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. कर्नल नी जरूरियात प्रमाण डिवाइस ड्राइवर लोड के अनलोड करवामां आवे छे. हार्डवेयर ने वापरवा तेमज तेना नियंत्रण माटे कर्नल नो उपयोग करे छे. अब हार्डवेयर को हमको यूज करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक चीज आएगी कर्नल. ओके, तो अब ये कर्नल क्या होगा, तो अगला टॉपिक है हमारा कर्नल के ऊपर. तो कर्नल क्या है, तो कर्नल ये ऑपरेटिंग सिस्टम नो हार्ड एटले के कोर कंपोनेंट है के मुख्य प्रोग्राम से, सीधी भाषा में कही तो मेन प्रोग्राम अगर कोई है ऑपरेटिंग सिस्टम का तो वो कर्नल. ऑपरेटिंग सिस्टम ना घना चाबीरूप एटले के मुख्य कार्य परंपरागत कर्नल ज करे छे. क्या लिखा है, जो मेन मेन काम है ऑपरेटिंग सिस्टम के वो कौन करेगा, कर्नल. समझ में, अब कर्नल का काम क्या है, तो जेम के ज्यादा कोई नवो हार्डवेयर जोड़वामां आवे, आपने कोई नया हार्डवेयर आपका कंप्यूटर से आपने कनेक्ट किया, स्कैनर या प्रिंटर या स्पीकर या कोई नया कीबोर्ड, उसके साथ साथ उसको शोधी काढ़े थे, एक्सेस करवा माटे बंद बेसता डिवाइस ड्राइवर ने लॉक करे. क्या करेगा,
उसके साथ जो भी डिवाइस ड्राइवर हमको यूज करना है तो उसको लॉक करेगा। अलग अलग डिवाइस ड्राइवर बड़े जेते एकम ने एक्सेस करे छे, मतलब अलग अलग डिवाइस के जरिए क्या करेगा, वो एक एक हार्डवेयर को एक एक कंपोनेंट को एक्सेस करेगा और तेनु नियंत्रण पण करे छे, क्या लिखेगा उसको, उसको कंट्रोल भी करेगा, उसको उसका प्लानिंग भी करेगा। साधनों एटले के स्त्रोतनी जाळवणी अने तेनु संचालन करे छे, પ્રોગ્રામનો અમલ ચાલુ અથવા બંધ કરવો અને તેના નિયંત્રણનું કાર્ય કરે છે। આથી અમુક વ્યક્તિઓની વ્યાખ્યા પ્રમાણે કર્નલ એ જ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે, ક્યાં લખ્યા છે, કુછ લોકો કા કહેના ક્યા હૈ કે કર્નલ જો હૈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કે અંદર વો ખુદ હી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હૈ। ઓકે, આપ દેખ સકતે હો યહાં પે કે અગર હમ યુઝર હૈ, ઓકે, અબ યુઝર કો હાર્ડવેર કો કોઈ કમાન્ડ દેના હૈ તો ઉસકે બીચ મે એક ચીજ આયેગી, વો હોગી કર્નલ। આપ દેખ સકતે હો ગ્રીન કલર સે કર્નલ કો ડિફાઈન કિયા યહાં પે। અબ યુઝર પહેલે કિસસે કનેક્ટ હોગા, કર્નલ સે। अब वहां पे दो चीज हो सकती है, तो शेल हो सकता है कोई, अगर हम कमांड लाइन का यूज करेंगे तो वहां पे शेल आएगा। ओके, कमांड लाइन मैंने कहा था ना, एक होता है सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा होता है जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो कमांड लाइन में क्या आएगा, शेल आएगा, और जीयूआई मतलब उसके अंदर प्रोग्राम्स आएंगे सब। तो पहले यूजर किससे कनेक्ट होगा, कर्नल को, वो कर्नल को कमांड देगा और कमांड कर्नल क्या करेगा, अपने हार्डवेयर को अलग अलग डिवाइस ड्राइवर के जरिए क्या करेगा, वो कमांड को आगे फॉरवर्ड करेगा। ओके, यूजर, यूजर से कर्नल, कर्नल से हार्डवेयर, अब आउटपुट देना है तो कर्नल से हार्डवेयर से कर्नल और कर्नल से यूजर। ओके, उसके बाद है शेल। तो शेल क्या है, तो शेल यूजर इंटरफेस मतलब उपयोगकर्ता सेतु। यूजर इंटरफेस मतलब क्या, यूज को कंप्यूटर सिस्टम को यूज कैसे करना है उसको, उसके बारे में उसको कहेंगे हम यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस जो होते हैं वो तीन दो टाइप के आते हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, एक तो होता है कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CLI और GUI। IMP दोनों दोनों फुल फॉर्म आपके एग्जाम के लिए, CLI का बनेगा कमांड लाइन इंटरफेस और GUI का बनेगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, दोनों मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि यूजर इंटरफेस जो होते हैं वो कितना टाइप्स के होते हैं, कितना प्रकार ना होए, तो उसमें दो आंसर आएगा कि दो टाइप के होते हैं। ठीक है, या अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि नीचे नमती कयू यूजर इंटरफेस नो प्रकार छे, ओके, तो एक ऑप्शन ए में आपको दिया होगा कमांड लाइन इंटरफेस, ऑप्शन बी में आपको दिया होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी में होगा ए यानी बी बनने, और ऑप्शन डी में होगा आपेल पे की एक पढ़ने, तो वहां पे आंसर बनेगा आपका सी, ए यानी बी बनने, दोनों कमांड लाइन और ग्राफिकल यूजर दोनों इंटरफेस का टाइप है। ओके, तो यूजर इंटरफेस एट्ले के उपयोगकर्ता सेतु आपीने शेल वपराशकर्ता ने पोतानी इच्छा એટલે કોમ્પ્યુટરે શું કરવું તે બાબતે પોતાની ઈચ્છા કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમને વ્યક્ત કરવાની સગવડ પૂરી પાડે છે। શેલ ક્યાં કરેગા, યુઝર સે જો ભી કમાન્ડ મિલે ઉસ કમાન્ડ કો મશીન કે લેંગ્વેજમાં કન્વર્ટ કરેગા। અભી કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ જો હમારી વો અભી હમને યહાં સે કેપિટલ એ દબાયા હમારી કીબોર્ડ સે યા નંબર વન કી દબાયા હમને, તો કોમ્પ્યુટર કો સમજ મે નહીં આયેગા કે કેપિટલ એ ક્યા હૈ યા નંબર વન કી ક્યા હૈ। વો ક્યા કરેગા શેલ યહાં પે, ઉસ એ કો યાની જો હમને એ કી દબાઈ હૈ કોમ્પ્યુટર સે કીબોર્ડ સે, उस ए को कंप्यूटर समझ सके उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा वो। समझ में आ रहा है, कंप्यूटर को सीधा ए समझ में नहीं आएगा, कंप्यूटर जो भाषा समझता है जिसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ओके, BINARY बाइनरी लैंग्वेज। तो शेल क्या करेगा, वो जो ए हमने यहाँ से प्रेस किया है ए, तो कंप्यूटर को ए समझ में नहीं आया उसको, तो शेल यहाँ पे क्या करेगा, उस ए को कंप्यूटर समझ सके उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, तो कंप्यूटर समझेगा ना। अगर आपको कोई लैंग्वेज आती ही नहीं, उस लैंग्वेज में मैं आपको कुछ बताऊं तो आपको समझ में आने वाली है चीज़ वो नहीं आने वाली। ओके, तो आपको मुझे उस लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा जो लैंग्वेज आपको आती है। तो वैसे ही शेल का काम यहाँ पे वही है कि यूजर जो लैंग्वेज जानते हैं वो लैंग्वेज कंप्यूटर सिस्टम को समझ में नहीं आती है, तो शेल क्या करेगा यहाँ पे, शेल उस लैंग्वेज को यानी कि जो यूजर की लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर समझ सके उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा उसको, तो ये काम शेल करेगा। ओके, अब यूजर इंटरफेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कमांड लाइन CLI और दूसरा होता है GUI। ओके, अब CLI में क्या होगा, तो CLI ओछी कीमत ना, मतलब कॉस्ट क्या होगी CLI की, कम होगी, ओछा वापरवानी जरूरियात वाला अने टेक्स्ट आधारित टर्मिनल नी आशा राखे छे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है CLI और GUI में, CLI मतलब क्या, यहाँ पे आपको हर एक चीज जो है हर एक चीज आपको अगर कंप्यूटर को कुछ बताना है तो आपको कीबोर्ड से एंटर करनी पड़ेगी, उसमें माउस नहीं आएगा। आपने कभी मूवी में देखा होगा, हॉलीवुड मूवी के अंदर वहां पे ब्लैक स्क्रीन होती है और उसके ऊपर कुछ व्हाइट फॉन्ट में लिखा हुआ होता है, तो वो CLI सिस्टम होती है कमांड लाइन, जिसमें क्या होगा, जिसमें आप जिस आपको अगर कुछ भी करना है तो आपको कीबोर्ड से उसको कमांड देना पड़ेगा। आपको कैलकुलेटर ओपन करना है तो आपको कीबोर्ड से कैलकुलेटर ओपन करने वाला कमांड देना होगा। अभी जैसे हमारी विंडोज 7 है तो वो क्या है, वो GUI के ऊपर है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसमें आप माउस का यूज करके क्लिक करके अपनी चीजें ओपन कर सकते हो, उसको क्लोज कर सकते हो। ओके,
यहाँ पे अगर मुझे कैलकुलेटर ओपन करना है तो मैं स्टार्ट मेन्यू में आके यहाँ पे कैलकुलेटर ढूंढूंगा और उसके बाद उसको क्लिक करूंगा तो वो ओपन हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे GUI, जहाँ पे अलग अलग ग्राफिक्स हैं, यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स है कहेंगे शॉर्ट में। बट CLI में क्या होगा, आपको हर एक चीज के लिए कमांड देना होगा। उपयोगकर्ता पास यदि शाब्दिक आदेश है, मतलब कमांड, जो भी हम आदेश देंगे, जो भी ऑर्डर देंगे कंप्यूटर को, तो वो हम लोग टेक्स्ट के फॉर्म में देंगे, कुछ लिखा हुआ वैसा होगा उसके फॉर्म में देंगे, तो उसको हम बोलेंगे कमांड। ओके, कमांड स्वीकार्य तेनो अमल करवानी पद्धति ऊपर काम करे छे। दरेक उपयोगकर्ता एक कमांड याद रखो पड़े छे। क्या लिखा है, अब यहाँ पे हर एक चीज के लिए अलग अलग कमांड होगा। जैसे आपको कैलेंडर देखना है तो उसके लिए कमांड है CAL। ओके, इतना सिर्फ, CAL। तो आपको कैलेंडर का कमांड याद रखना पड़ेगा कि भाई अगर मुझे कैलकुलेटर ओपन करना, सॉरी, अगर मुझे कैलेंडर ओपन करना है हमारे CLI के अंदर, तो मुझे CAL कमांड है इसके लिए। आप कैलेंडर पूरा लिखोगे तो नहीं आएगा वो, आप ओनली सी लिखोगे तो भी नहीं आएगा, आपको CAL इतना ही लिखना पड़ेगा तभी वो ओपन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक यूजर को उसके कमांड याद रखने पड़ेंगे कि कौन सी चीज के लिए कौन सा कमांड हमको देना है। जो कि हेल्प एटले कि मदद उपलब्ध हो छे, आ अने आ सिस्टम वापरवा माटे अमुक अंशे टाइपिंग आवडत होवी जरूरी छे। क्या लिखा है, टाइपिंग आती होगी तभी मतलब मैं वो कमांड दे पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे माउस तो है नहीं, आपको जो भी काम करना है आपको कीबोर्ड से टाइपिंग करके ही करना है। ज्यादा टेक्नोलॉजी नो एटलो विकास थयो न हतो तो ते समझ मात्र CLI ज विकल्प हतो, ते ओछी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नो विकास ते पछी GUI नो विकास थयो। अब GUI के पहले क्या थी सिस्टम, ओनली CLI था वहां पे। तो CLI में क्या होता था, वहां पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो वहां पे सब कमांड का यूज करते थे। बट टेक्नोलॉजी अब जब डेवलप हो गई, इतनी विकसित हो गई, अगर अब वहां पे क्या आ गया, GUI, इसकी जगह GUI ने ले लिया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा अभी तक, के सबसे पहले तो डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, कर्नल क्या होता है, और शेल जिसको हम कहेंगे यूजर इंटरफेस। ओके, अब ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी, और नीचे कमेंट करके जो आपको आंसर देना है उसका क्वेश्चन है आपका, कि जो भी हमारे यूजर इंटरफेस जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ओके, तो कितने टाइप्स के होते हैं वो, एक टाइप, दो टाइप, तीन टाइप, चार टाइप, जितने हो। ओके, उसका जो भी आंसर होगा वो आपको नीचे कॉमेंट करके देना है। आपको कोई चीज़ डाउट है इस चैप्टर में, इसके पिछले वाले चैप्टर्स में, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।